अब चिकन मेथी बनाने की तैयारी है, तो सबसे पहले जब भी कुछ भी चिकन का बनाए तो चिकन को मैरिनेट कर लीजिए। इसे मैंने आधा कप दही डाला है, 1 टेबल स्पून हीप्ड लहसुन, 1 टेबल स्पून हीप्ड अदरक और नमक, और इसको फिर अच्छे से आप मिला के और छोड़ दीजिए ताकि ये जो है ये मैरिनेट कर जाए करीब। अब कड़वा तेल गरम कर रही हूँ मैं मेथी चिकन के लिए। देखिए चिकन अच्छे से ये मैरिनेट हो गया है करीब 2 घंटे। चिकन को मैरिनेट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर चिकन मैरिनेट नहीं होगा तो उसका जो गोश्त होता है वो बहुत ब्लैंड होता है, तो उसमें कोई अपने आप में इतना मज़ा नहीं होता। जो मज़ा आएगा वो आपका मसालों से और मैरिनेशन से आएगा। मैंने इस तेल में मेथी के दाने और 3 लाल मिर्च डाली है साबुत, आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं मिर्च, वो आपके ऊपर है। अब इसमें पड़ेगा कटा हुआ, बारीक कटा हुआ अदरक लहसुन और प्याज, और फिर ये इसको हम भूनेंगे। अब जब तक कि ये सब तल रहा है इसी में, अब क्योंकि फिर इसको हमें लाल नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा बुझ जाए, इसीलिए मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया भूनेंगे, तलेंगे नहीं। और ये थोड़ा सा बुझ जाएगा तो इसके बाद इसमें हम चिकन डालेंगे। अच्छा, चिकन जब आप डालेंगे तो किसी करछी से या कफगीर से, जिसको कफगीर हम लोग कहते हैं, वो लीजिएगा ताकि इसका जो एक्स्ट्रा मसाला है वो सब ड्रेन हो जाए। चिकन को हमें अभी तलना है और जिसका एक्स्ट्रा मसाला है वो हम बाद में डाल देंगे पकाने में, अभी हमें सिर्फ चिकन के पीसेस चाहिए। तो ये चिकन के पीसेस जो हैं ये मैं डालूंगी इसके अंदर, और फिर इनको तलने के बाद फिर इन्हें निकाल के फिर इसमें मेथी पड़ेगी। और जैसे आप और कोई मसाला नहीं पड़ेगा क्योंकि मसाला जो है वो मैंने चिकन में ही लगा दिया है। आप कोई सा भी पीस यूज़ कर सकते हैं, मैंने लेग पीस यूज़ की है क्योंकि लोग ज़्यादातर लेग पीस पसंद करते हैं, वरना आप कोई भी पीस यूज़ कर सकते हैं। ये 1 किलो लेग पीस है। अब इसको खूब अच्छे से भूनिए, इसमें नमक भी पड़ा हुआ है चिकन में, क्योंकि नमक भी नहीं आपको अभी नहीं मिलाना है, नमक आखिर में, क्योंकि मैरिनेशन के लिए नमक ज़्यादा नहीं डालते, इसलिए नमक आखिर में थोड़ा सा और डालेंगे। अब बस इसको हम अच्छे से भूनेंगे और फिर उसके बाद इसमें मेथी मिलाएंगे। अब आप देखिए ये चिकन जो है एकदम भून गया है, और चिकन जब तक कि भुनेगा नहीं ना उसमें मज़ा नहीं आएगा। अब इसको मैं निकाल के अलग रख रही हूँ, और इस पत्ती मसाले में हल्का सा पहले मेथी को बुझा लूँगी, फिर मिलाऊँगी हर चीज़ साथ में। और मैंने मसाला कुछ नहीं डाला है, जो मैरिनेट का था वो है, और बाकी जो मैरिनेट का बचा हुआ था वो सब मैंने इसमें डाल दिया, जो भी था एक्स्ट्रा। आप कोई भी पीस यूज़ कर सकते हैं, मैंने लेग पीस यूज़ किया है। अब ये इसमें ये पड़ गई मेथी पड़ गई, अब मेथी हल्की सी भुन जाएगी तो उसके अंदर आप फिर चिकन डाल के और 1 सीटी दे लीजिए ताकि अच्छे से गल जाए। अच्छा, जैसे मैंने पहले इसमें मेथी जो है वो पत्ती अलग है, और थोड़ा सा बॉडी के लिए बारीक जो उसकी डंठल होती है ना, तो उसकी जो डंडी होती है मेथी की या किसी भी हरी सब्ज़ी की, उसकी डंडी में बहुत न्यूट्रिशन होता है और टेस्ट होता है, तो पत्ती थोड़ी सी ताकि अच्छी लगे देखने में, और डंडी जो है वो टेस्ट और बॉडी के लिए। मैंने दोनों चीज़ वापस मिला दी, अब बस इस पे ढक्कन लगा के इसको आप 1 सीटी दीजिएगा। 1 सीटी बहुत होती है चिकन के लिए, क्योंकि चिकन जो है वो बहुत गला हुआ पहले ही है और इतने भुनने में गल गया है।